वफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। मैं अपनी जंग हारूंगा नहीं, फुल फाइट करूंगा। एक सिंगल लीडर नहीं है पाकिस्तान का, तो मैं उसको वाकई सियासतदान नहीं समझता। एनजीओ सियासतदानों से ज्यादा करप्ट है। इलेक्शन के वक्त बेचो ना अपने वोट। मेरी एक फाइनल कावर के अंदर दो नफे पड़ गए, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय वाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम रहमानी। आज अलवफा के मेहमान हैं इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस शेख मंसूर साहब, और आज हम इनकी रिहायशगाह पर आए हैं। और बहुत कम अरसे में इन्होंने जो है इंसानियत की जो खिदमत की है और आम लोगों में जो ये पॉपुलर हुए हैं, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला ऊपर वाला है। लेकिन बहुत कम अरसे में इनको गरीब जानने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं और अपने मसाइल के लिए इनसे रुजू करते हैं, जो कि ये अल्लाह ताला ही नेक काम इंसान से लेता है जिसके हिस्से में जो आए। तो कैस मंसूर साहब आजकल इन चीज़ों में बहुत एक्टिव हैं, अल्लाह ताला जिसे चाहे तौफीक दे। आइए, हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ हैं वो, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। शेख साहब, आप ये बताइए कि ये आपके दिल में कैसे आया कि आप इंसानियत की खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इंटीरियर सिंध में जो आपको हालात देखे होंगे, पानी नहीं है, फिर जो कच्चे घरों में लोग रहते रहे हैं, तो हमारी इंसान दोस्त टीम है इंटीरियर में, तो मैं उनके साथ कोई 2010 से लेके 2019 तक काम करता रहा वहाँ पे। 2020 में जब कोरोना आया तो भी हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ में करता रहा, लेकिन यूसुफ गोट, जैसे आपको पता, उसी कोरोना के दरमियान एक सैलाब सा आ गया था, बहुत बारिश हुई थी, तो मैं यूसुफ गोट गया, वो देखा इलाका डूबा हुआ है। फिर मैंने एक वीडियो मैसेज दिया कि जिन जिन के घर टूटे हुए हैं उसको मैं रिपेयर करा सकता हूँ। आप ये बताइए कि ये नाम आपने कैसे तजवीज़ किया? बिल्कुल यूनिक, अलग सा नाम है, इंसान दोस्त, इंसान दोस्त और ये सब कुछ जोड़ के, ये कैसे आपके जहन में आया? ये हमारा पुराना एक इंटीरियर में ही चल रहा है, इंटीरियर के ग्रुप है, वो इंसान दोस्त के नाम से करते थे काम, तो उन्होंने फिर मुझे देखा, तो उन्होंने, मैंने भी फेसबुक में उनको अच्छे काम करते देखा, तो मैंने कहा कि जी मैं आपके साथ, कोई काम हुआ करें मुझे बताया करें। तो मैं हर संडे को इंटीरियर में किसी न किसी गोट गांव में जाया करता था एक्टिविटी करने, तो वहीं से ये नाम फिर मैंने अपना जब कराची में किया, तो डेफिनेटली इंसान दोस्त ही कंटिन्यू होना है। जो ज़रूरतमंद है, खा वो किसी भी ज़ात का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी भी पोलिटिकल पार्टी को, यू हैव टू डू इट। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। मैं काफ़ी दफ़ा डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें लेकर गया, कि किसी ने मुझे वाटर एंड सेवरेज का कहा तो मैं उधर गया, स्वी गैस का कहा तो उनके लिए वहाँ पे फाइट की, प्रोटेस्ट बड़े किए, लेकिन मुझे पता चल गया कि अगर मैं उनके पास पाँच छः घंटे बैठूँगा मदद के लिए, वो कहेंगे अच्छा हम कर देते हैं, और नहीं होती, इससे बेहतर है कि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, कमाऊँ और उस कमाई से ही खुद कर लूँ जो कर सकता हूँ। अच्छा, काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए बहुत सारी मुश्किल सामने आती होंगी, कितनी मुश्किल का सामना किया आपने? देखिए, नेक काम करने आप कहीं पे भी जाएं तो वहाँ के सियासी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वो आपसे एक स्केर्ड हो जाते हैं कि भाई ये सियासत में आ जाएगा तो हमें बीट कर देगा, तो ये एक मुश्किल तो आती हैं। मैं अपनी जंग हारूंगा नहीं, फुल फाइट करूंगा। तीन पार्टीज़ हैं जिन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं अभी इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा? कि हर पार्टी किसी न किसी तरीके से उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कुछ 14 से 15 मदरसे हैं जो चल रहे हैं, उनका सारा फर्नीचर, उनकी कारपेटें, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चे जो स्टूल पे ऊपर कुरान पाक रख के भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने लगवा के दिया है। आवाम दोस्त पार्टी की अगर हुकूमत बन गई सिंध के अंदर, क्या इकदाम होंगे आपके? इंसान दोस्त पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो आपको सिर्फ ईमानदारी नज़र आएगी, आपको कोई बंदा भूखा नज़र नहीं आएगा, और कोई जो एनजीओज़ ने जो खाने पीने के स्टॉल्स लगाए वो नज़र नहीं आएंगे, बल्कि लोग कमाएंगे ज़्यादा और अपनी कमाई से खाएंगे। देखो, जो इमरान खान साहब का टेन्योर रहा है ना, तो मैं उसको वाकई सियासतदान नहीं समझता। हमारे पास बदकिस्मती से एक सिंगल लीडर नहीं है पाकिस्तान का। आप दुनिया में कहीं भी जाके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं बआसानी, बग़ैर किसी टेंशन के, पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? पाकिस्तान में हमारा मुल्क है सर, यहाँ पैदा हुए हैं, दूसरे यहाँ के लोगों को ज़रूरत है सर। सारे लोग ही पाकिस्तान छोड़ जाएंगे तो कौन करेगा? देखिए, मैं अगर 10 लोगों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने अगर मुझे चुना है तो मैं समझे मैं 10 के काबिल हूँ। पाकिस्तान को दुनिया के कौन से तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ देखना चाहते हैं? देखें सर, मेरा ही तो जो डेफिनेटली ख्वाहिश है कि लंदन जैसा हो। अच्छा, इसमें मैंने दुनिया फिर के एक चीज़ बड़ी नोट की सर, कि एजुकेशन,
एजुकेशन की वजह से हम मार खा रहे हैं। बस एनजीओ सियासतदानों से ज़्यादा करप्ट हैं। बुनियादी तालीम कराची या पाकिस्तान से हासिल की या आला तालीम के लिए बाहर गए? नहीं सर, मैं लाहौर से मैंने सारी किया। शादी अपनी पसंद से की या घर? अरेंज शादी। एक ही की? एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? मैंने दुनिया के बहुत मुल्क फिरे हैं, सारी ख्वाहिशें मेरी ये कि खाने का बाबा के अंदर दो नफल पढ़ना। मैंने इसके लिए बादशाह को भी लेटर लिखे, ईमेल लिखे, और मैंने शहजादा को भी ईमेल किए जो हमारे वहाँ पे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत लेटर्स भी लिखता हूँ, ईमेल्स भी करता हूँ। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, सिंपल, नो अदर। कुछ डिज़ायर नहीं है कि मैं कोई और बंगला बनाऊँ या गाड़ियाँ लूँ, सिर्फ कि खाने का बाबा के अंदर दो नफल का मिल जाए मुझे। ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो आपको तकलीफ दे लम्हा था वो कौन सा था? मैं 17 साल का था, घर में नौकर चाकर देखे, मैं बड़ा रोता हुआ आया, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं कैंट स्टेशन आया, वहाँ के फुटपाथ पे मैंने 8 महीने गुजारे। एक चादर, एक तकिया रखता था, फिर एक दो जॉब्स की। वो टाइम मेरी लाइफ का बड़ा तकलीफ दे टाइम था। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खुशी का लम्हा कौन सा था? खुशी का लम्हा ये था कि ने कोई 300 से ज़्यादा लोगों को उम्रे पे भेजा। मंसूर शेख साहब, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया का हाथ? जी कह सकते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय वाइफ। इस सोई हुई कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को पॉलिटिकल एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक यह है कि आप बड़ी पार्टियों को वोट देते हो। आप बड़ी पार्टियों को दो, लेकिन आप हर पार्टी का कैंडिडेट देखो, भले वो आपकी पार्टी हो या दूसरे की हो, कि उस कैंडिडेट की क्या क्लास है। इलेक्शन के वक्त बेचो ना अपने वोट, क्योंकि आटे की बोरियां देना शुरू कर देते। पाकिस्तान के लिए आखिरी दो जुमले। पाकिस्तान को कर्जा लेना बंद करना चाहिए और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Hey everybody, this is me शज़ा खान and keep watching Al Wafa News. इसको लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।